पिछले चैप्टर में आपने देखा था ओनिगासमा में हर जगह आग लगी हुई थी, पर भला हो राइजो और जिम्बे का जिन्होंने सही वक्त पर आकर सबको बचा लिया। राइजो अपने स्क्रोल में बहुत सारा पानी स्टोर करके रखा था और वो पानी वही था जिससे जोनिसा नहाया करता था, बेसिकली सी वाटर। तो फिर जिम्बे उस वाटर को कंट्रोल करता है और सबको जलने से बचा लेता है। दूसरी ओर काइडो लूफी से पूछता है, तुम हो कौन? जिसके जवाब में लूफी कहता है, और जोनिसा भी जॉय बॉय को सेंस कर पाता है। एंड में लूफी लाइटनिंग को पकड़ के काइडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यामाटो मोमोनोसुके के ऊपर चिल्ला रही होती है कि उन क्लाउड्स को बनाओ उनको, वरना हम सब मारे जाएंगे। और मोमोनोसुके कहता है कि इतना इजी है नहीं जितना बोलने में लग रहा है, बल्कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं ये कर ही नहीं सकता और तू कभी कर भी नहीं पाएगा। ये आदमी पिछले 20 चैप्टर से क्लाउड्स बनाना ही सीख रहा है और अब तक इसको कोई आइडिया नहीं है कि डेविल फ्रूट इसका काम कैसे करता है। इसको बस दो ही चीज आता है, या तो रोते रहना या तो बॉबे पकड़ना। मोमोनोसुके से घटिया बर्बाद और वाहियात कैरेक्टर मैंने आज तक नहीं देखा, या शायद देखा है। बट एनीवेज आगे एक फ्लैशबैक आता है जहां पे टोकी मोमोनोसुके से कह रही होती है कि कोजुकी क्लैन को रिवाइव बस तुम ही कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें 20 साल आगे फ्यूचर में जाना होगा, और वो उसे भेज रही होती है। पर मोमोनोसुके रोते हुए कहता है कि नहीं, वो नहीं जाना चाहता, और अगर वो जाएगा तो वो टोकी और हियोरी के साथ ही जाएगा, उनको उसके साथ आना होगा। यहाँ पे केनमोन बीच में आता है और कहता है कि मोमोनोसुके सामा, अपनी माँ की फीलिंग्स को समझो। हाँ तुम अभी बहुत कुछ सह रहे हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे ज्यादा सह रही है। एक बार जरा सोचो कि वो जो भी कुछ कर रही है वो सब कुछ सोच कर ही कर रही है। जब कोई समुराई अपनी मुसीबतों से भागता है या फिर उससे लड़ने के बजाय वो उनको सहने लगता है, तो वो अपने लाइफ में फेल हो जाता है और ऐसे लोगों को कोई याद नहीं रखता। और तुम्हारी माँ, जिन्हें तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और तुम उन्हें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मोमोनोसुके कहता है कि पर वो तो अभी भी एक बच्चा है, मोर लाइक कि वो अभी भी एक दुतिया है। केनमोन यहाँ कहता है कि उसको बस एक और चांस दे दो, यहाँ रुककर मरने से अच्छा है कि वो बैटलफील्ड में लड़ते हुए मर जाए। वो बस एक और चांस मांगता है जहाँ पे वो अपना सोर्ड वापस पकड़ सके और मोमोनोसुके को वो हर कीमत पर बचा सके। ओके, तो ये वाला पैनल ना थोड़ा दिल को छू गया केनमोन के कारण। भाई जो बंदा इतना सहा है ना, और इसका जो रिएक्शन था इस पैनल में, मतलब भाई सही में इसका चेहरा का एक्सप्रेशन देखो भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा सहा है। इसके लिए भी कभार बहुत बुरा लगता है, और जिस तरीके का मतलब यहाँ पे पैनल में इसको दिखाया गया है वो मैं बता ही नहीं सकता मांगा पढ़ते वक्त कि ये कैसा फील कर रहा होगा। मतलब ये अपने आप को बचाना नहीं चाहता है, ये काइडो से बदला लेना चाहता है वापस, ये बस एक और चांस चाहता है ताकि ये ओडिन का बदला ले सके। ये हियोरी से भीख मांगता है कि नहीं उसको बस जाने दो फ्यूचर में, और मोमोनोसुके को वो कन्विंस करता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। और रही बात मोमोनोसुके की, तो एक्चुअली इसका जो रिएक्शन था वो जेन्युइन था। मतलब अगर तुम यहाँ पे अपने आप को मोमोनोसुके की जगह पे डाल के देखो, तुम भी शायद ऐसा ही कुछ रिएक्ट करते या फिर कुछ और करते। मेरे ख्याल से ऐसा ही करते कि माँ क्यों नहीं आ रही है, मेरी बहन क्यों नहीं आ रही है मेरे साथ, यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड एट द एंड उसके पास बस एक ही चांस रहता है कि केनमोन के ऊपर बिलीव करना और आगे बढ़ते जाना। मोमोनोसुके का बैक स्टोरी भी काफी सैड था, और शायद अब मैं इसे हेट नहीं करता। खैर आगे मोमोनोसुके बोलता है कि हाँ वो तैयार है फ्यूचर में जाने के लिए। फ्लैशबैक खत्म, मोमोनोसुके में अभी भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, मैं इसे अभी भी हेट करता हूँ। मतलब यार जब भी इसका ये वाला हरकत याद आता है ना, मन करता है मतलब मेरा खून जल जाता है भाई। काश वानो के एंड में कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे जब ये लोग जीत जाएंगे तब मोमोनोसुके वापस जाएगा अपना बूबा वगैरह दबाने के लिए, लेकिन इस बार क्योंकि अब वो एक अडल्ट है तो वो लोग उसका वाट लगा देगी। रॉबिन क्लच कर दे और नामी ठंडा टेम्पो मार दे, भाई मर जाए वो, मजा आ जाएगा। खैर अब चलो लूफी और काइडो पे आते हैं, जहाँ पे लूफी काइडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है और काइडो हंसते हुए कहता है कि हैं तुम लाइटनिंग को पकड़ लिए। और जब लूफी काइडो पे अटैक करने ही वाला होता है तो सरप्राइजिंगली काइडो उस अटैक को डॉच कर लेता है और लूफी पर एक जोर का हिट मारता है जिससे लूफी
हवा में उड़ जाता है। बट लूफी अपने आप को रोकने के लिए वापस लाइटनिंग को पकड़ता है और उसमें गोल गोल घूमने लगता है, और इससे जो मोमेंटम क्रिएट होता है उससे एक स्पीड मिलता है लूफी को, और उसी स्पीड से वो काइडो के ऊपर वापस एक इलेक्ट्रिक अटैक करने वाला होता है। तो चैप्टर 1046 जब मैं पहली बार पढ़ा था तो उस वक्त मैं एक्चुअली उसको रिव्यू नहीं कर पाया था क्योंकि वो काइंड ऑफ बोरिंग था, पर उसका जो एंड पैनल था वो मुझे, उसको देखकर मुझे एक ही मूवी का याद आया, वो था वन पीस स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, जहाँ पे उसका जो क्लाइमैक्स रहता है वहाँ पे भी लूफी कुछ ऐसा ही अटैक करता है, और क्योंकि वो एक रबर है तो लाइटनिंग उसको अफेक्ट नहीं करेगा, एंड इट्स लाइक कि वो लाइटनिंग को पकड़ के फेंक रहा है, पर लाइटनिंग को पकड़ के उसमें झूला झूलना भाई थोड़ा ज्यादा हो गया। कमिंग बैक टू मांगा, काइडो यहाँ पे एक बहुत सही चीज कहता है कि सिर्फ डेविल फ्रूट के पावर्स के हेल्प से तुम इस दुनिया को कॉनकर नहीं कर सकते। वो फिर लूफी के अटैक को वापस डॉज करता है और उसको जमीन में फेंक देता है और कहता है कि रॉजर को ही देख लो, उसके पास कोई भी डेविल फ्रूट पावर नहीं था लेकिन फिर भी वह इस दुनिया को जीत लिया था, या फिर कह लो कि वह सब चीज कॉनकर कर लिया था। ऐसा कुछ सिर्फ हॉकी से ही अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज फॉर्म हो गई कि हॉकी हर मामले में डेविल फ्रूट से ऊपर ही रहेगा। अब चाहे लूफी के पास कोई गॉड फ्रूट हो या फिर कोई भी फ्रूट हो, हॉकी हमेशा से ही ऊपर था और वो ऊपर ही रहेगा। खैर, लूफी अपने हॉकी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है और वो और भी ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे उसका जो डेविल फ्रूट है वह उसमें एड ऑन हो रहा है उसके पावर्स पे। तो अगर देखा जाए तो डेविल फ्रूट का जो पावर है वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे लूफी अपने डेविल फ्रूट और हॉकी दोनों को साथ में यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल गियर 4th और गियर 5 भी है जहाँ पे वो अपने आप को कॉनकर हॉकी में कोट किया हुआ है, काइडो ने यह बात खुद कही थी। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रिवील होती है कि रॉजर पे कोई भी डेविल फ्रूट नहीं था। आगे काइडो लूफी को बहुत कस के मारता है जिससे लूफी ग्राउंड में फेंक दिया जाता है, पर लूफी ग्राउंड को वापस रबर में कन्वर्ट करता है और एक थंडर बैगुआ नाम का अटैक से वो अपने आप को वहां से निकाल कर काइडो के ऊपर चला जाता है एंड काइडो को पकड़ लेता है। काइडो अपने आप को छुड़ाने के लिए लूफी के आर्म पर मारता है पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में चला जाता है खुद को छुड़ाने के लिए और लूफी के ऊपर स्केल्स या फिर शॉकवेव से अटैक करता है, एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली वो अटैक लूफी को डायरेक्टली लगता भी है और डैमेज भी करता है। नेक्स्ट पैनल में हमें वानो के सिटीजन्स देखने को मिलते हैं जो कि फाइनली अपने लालटेन को ऊपर उड़ा देते हैं, और यह चीज थोड़ा सिंबॉलिक है। इसका बेसिक मीनिंग यही है कि अब फाइट अपने एंड पर है और यह चीज कभी भी खत्म हो सकती है, यानी कि ये आर्क और ये फाइट इट्स लाइक कि ये फाइनल शॉट के लिए बचा के रखा गया हो जहाँ पे काइडो हारने वाला है, क्योंकि अब वे लोग ये इन लालटेन पर अपना होप्स एंड उम्मीदें रखते हैं, उनके विशेस इन लालटेन पर है। ओडा सेंसेई कभी बार इतने पोएटिक हो जाते हो यार। नेक्स्ट पैनल में लूफी अब काफी ऊपर होता है आसमान में और वो काइडो को अभी भी पकड़ा हुआ होता है, और काइडो चिढ़कर कहता है कि अबे दम है तो नीचे आना, और ये कहकर वो बोलो ब्रेथ यूज करता है जिससे लूफी अगेन जल जाता है, बट ऑब्वियसली उसको कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हियोगोरो के पास आता है। हियोगोरो ये समझ जाता है कि ओनिगासिमा धीरे धीरे तबाह हो रहा है, इसका मतलब है कि काइडो अपने लिमिट पर आ चुका है, और अगर काइडो हारता है तो इसका मतलब वो सब मारे जाएंगे। वो सबसे पूछता है कि क्या तुम लोग मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर काइडो हारता है तो हम सब मारे जाएंगे क्योंकि ओनिगासिमा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर लूफी हार जाता है तो इसका मतलब हमारे पास कुछ टाइम रहेगा क्योंकि जिंदा रहने के लिए, पर हाँ हम सब भी आगे जाकर इवेंचुअली मारे ही जाएंगे। और वो सबसे पूछता है कि तुम लोग क्या सोचते हो, तो सब सारे समुराई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ वे मरने के लिए तैयार हैं, भले ही उनके बच्चे और बीवी नीचे हैं और उनका वेट कर रहे हैं, पर एट द एंड उनको एक अच्छा लाइफ मिल जाएगा क्योंकि अब वानो फ्री हो जाएगा जब काइडो हार जाएगा। वे लोग ये भी मेंशन करते हैं कि स्ट्रॉ हैट का ये एहसान वो लोग कभी भी चुका नहीं पाएंगे, उनका कंट्री अब नॉर्मल हो जाएगा, एंड फिर वो लोग लूफी को चीयर करने लगते हैं। बाकी लोग लाइक उसप वगैरह रोने मचाने लगते हैं कि भाई उनको नहीं मरना, एंड एक बंदा तो ये तक कहता है कि इन समुराय का स्क्रू ढीला हो चुका है। उसप ये कहता है कि ये सब चीजों से वो नहीं मरने वाला, रोते हुए ऑफ कोर्स। अब आगे हमें ओरोची देखने को मिलता है। है यार, ये आदमी मरता क्यों नहीं है, मतलब हर जगह भाई ये जिंदा कैसे बच जाता है।
अगर तुम देखो तो इसको हर कोई मार चुका है जिसको इससे बदला लेना था। इसका कोई मीनिंग नहीं है जिंदा रहने का। और अब ये प्लानिंग कर रहा है कि अब ये ह्योरी को लेकर अपने साथ मर जाएगा। अब देखते हैं ह्योरी को बचाने के लिए कौन आता है। ओके, तो मांगा के एंड में लूफी काइडो का अभी भी पकड़ा हुआ होता है ताकि वो कहीं भी भाग ना पाए, और वो अपने हाथ को लिटरली ओनिगासिमा के साइज जितना बड़ा कर लेता है और उस फिस्ट में हर जगह से लाइटनिंग निकल रहा होता है। तो अब शायद ये लूफी का फाइनल अटैक हो, क्योंकि वो बोल रखा है कि ये उसका फाइनल अटैक होगा वगैरह वगैरह। और मोमोनोसुके के ऊपर अब एकदम से पूरा प्रेशर आ चुका है, सारा जिम्मेदारी उसके ही ऊपर है कि उसको सबको बचाना है। तो चलो चैप्टर एंड हो गया, अब मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है कि मैं देखना चाहता था कि क्लाइमैक्स में एटलीस्ट लूफी थोड़ा सा पिटे, यानी वो बिल्कुल वापस से मरने वाले हालत में चल जाए एंड वो वापस खड़ा हो, जैसे कि हमें हर आर्क में देखने को मिला है कि वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो 3-4 दिनों तक वापस से हील होता है और उसके बॉडी में पट्टी वट्टी लगा हुआ रहता है। ऐसे हर आर्क में हुआ है रॉब लूची, जहां पे उसको पता था कि अगर वो जमीन में गिरा तो वो वापस खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा वाला सिचुएशन में यहां पे भी देखना चाहता था। पर गियर 5 में वो मतलब जो गॉड नीका वाला जो पावर है इसमें वो बस हंसता ही रहता है एंड एट द एंड में ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा। लेकिन इससे ही मैं एक चीज प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हो सकता है कि एंड में जो तुम्हारा काइडो है वो लूफी के साइड में चला जाए, कि हाँ कि वो उसके तरफ है और वो एग्री करता है अपना डिफीट को कि हाँ लूफी उसको हरा चुका है। और यहाँ पे जो प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है कि कोई और अटैक करने आए, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर ब्लैक बियर्ड जो वानों में आए उसका डेविल फ्रूट चुराने के लिए, ऐसा कुछ प्लॉट बने एंड यहाँ पर काइडो लूफी को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दे, ऐसा कुछ हो कि एंड में वो मर जाए, यानी कि यहाँ पे उसका ड्रीम पूरा हो जाए कि हाँ उसको एक ऑनरेबल और एक मेमोरेबल डेथ चाहिए था, ये उसका ड्रीम था। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाए और ये थोड़ा एंड के लिए काफी सही प्लॉट रहेगा। बाकी भाई ओडा सेंसेई आपकी मर्जी, वैसे तो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, यू नो मेरी बातचीत उनसे होती रहती है। बस ये सब थोड़ा एक्टिंग करने के लिए करना पड़ता है, वरना यू नो नाइस। तो अब आगे स्टोरी में क्या होगा, क्या काइडो हारेगा, ह्योरी को कौन बचाएगा और क्या मोमोनोसुके क्लाउड्स बना पाएगा, जानने के लिए नेक्स्ट चैप्टर का वेट करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।